I will request Dr. Mulay to please felicitate our guests. सत श्री अकाल और सभी भारतीय भाषाओं में आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज के आदरणीय मेहमान प्रमुख अतिथि, दो प्रमुख अतिथि हमारे पास, श्री सुरेश प्रभु पूर्व केंद्रीय मंत्री, श्री डॉक्टर श्री महेश शर्मा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे मित्र और सांसद जिन्होंने पॉजिटिविटी का काम अपने गुना संसदीय क्षेत्र में शुरू किया है, श्री किशन पाल सिंह, उनकी धर्मपत्नी अनुराधा जी, श्री रमेश अरोरा जी जो हमें हमारे साथ लंदन से जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में, हमारे पुरस्कृत देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए पुरस्कृत हमारे जो मित्रगण हैं, वाइस चांसलर्स हैं यहाँ पर 6 यूनिवर्सिटीज के, स्पीकर्स इन द वेरियस पैनल्स, मॉडरेटर्स, मीडिया कर्मी, स्पॉन्सर्स, आर्टिस्ट जिन्होंने अभी आपके सामने इतना सुंदर कार्यक्रम पेश किया, हमारे मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी, अच्छाई का अभियान, सकारात्मकता का अभियान के देश से आए हुए अलग अलग प्रतिनिधि और यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबका मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि सिर्फ 3 साल पहले हमने जो सफ़र शुरू किया था, एक छोटी सी यात्रा शुरू की थी, एक छोटे गंगोत्री की एक छोटी सी धारा थी, आज उसका एक विशाल गंगा सागर बनते हुए मुझे नज़र आ रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि ये पॉजिटिविटी चीज़ है क्या, और मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा सा अंदर झांक के देखिए, आपको पता चलेगा कि पॉजिटिविटी क्या है। मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने वैक्सीन ली हुई है? वैक्सीनेशन, आर यू ऑल वैक्सीनेटेड? आर यू ऑल वैक्सीनेटेड फॉर पॉजिटिविटी, विद पॉजिटिविटी? दैट्स अ क्वेश्चन समटाइम्स वी वंडर कि हम लोग वास्तव में पॉजिटिविटी से, अंदर से तो एक लेवल पे भरे रहते हैं, लेकिन कभी कभी निराशावाद हमें ग्रस्त कर लेता है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। मेरी जो वैक्सीन पहली हुई, मेरे माँ बाप से मिली सादगी की वैक्सीन, पॉजिटिविटी की पहली वैक्सीन, उसके बाद शिक्षकों से मिली, अध्यापकों से मिली अगली वैक्सीन, उसके बाद महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक थे, भारत के जो समाज सुधारक थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महात्मा फुले हो,
चाहे अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, पटेल हो, इन लोगों ने अपनी वैक्सीन मुझे लगाई। शायद आपको भी लगी है कि भूल गए हम लोग कि उनकी भी वैक्सीन हमें लगी थी पॉजिटिविटी की। और आज हम ना सिर्फ हमने दशहरे के अवसर पर रावण को खत्म कर दिया है, दुष्प्रवृत्तियों का प्रतीक रावण को खत्म कर दिया है, आगे जो है अगले कुछ दिनों में हम दिया जलाने वाले हैं घर घर। तो उसके बिल्कुल मध्य पर हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और ये हमारे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव भी है। ये इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, दुग्ध शर्करा योग बोलते हैं मराठी में हम लोग बोलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योग है और मैं समझता हूँ कि सकारात्मकता का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन करने के लिए इससे और उपयुक्त मुहूर्त नहीं हो सकता है। वैसे भी अच्छे काम के लिए शुभस्य शीघ्रम बोलते हैं, मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। तो पॉजिटिविटी आप सोचेंगे कि मेरे मन में आई कैसे। अक्सर लोग पूछते हैं कि अच्छा है क्या अभियान की जरूरत पड़ती है, क्या सकारात्मकता के अभियान की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये सही है कि हमारे भारतीय संस्कृति में पॉजिटिविटी के बीज जहाँ वहाँ आपको मिलते हैं, हम कहते हैं वो सदैव कुटुंबकम। हेम बंधु रयम नेति मनसा लघु चेतसा। जो छोटे दिल का व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है। लेकिन विशाल चरिता नाम तो विचार मनसा नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिसका मन विशाल होता है, उदार होता है, उसके लिए पूरा विश्व जो है उसका बंधु या परिवार होता है। महाराष्ट्र के संत है संत ज्ञानेश्वर, जो मेरा नाम भी है, उन्होंने कहा है विश्व छी माझे घर। वसुधैव कुटुंबकम से एक स्टेप आगे चले जाते हैं, वो कहते हैं पूरा विश्व मेरा जो है घर है। तो अगर घर है तो घर के जो लोग हैं निवासी, हम यहाँ के एक दूसरे से प्यार से बर्ताव कई बार क्यों नहीं करते। हमारे यहाँ सर्वे पे सुखिन संतु सर्वे संतु निरामया बोलते हैं। बट इससे बढ़िया एक विचार है ऋग्वेद में, आनो भद्राहा कृतवो यंतु विश्वता। पूरे विश्व से भद्र चीजें, अच्छी बातें, लोग नहीं बोले, अच्छी बातें, अच्छे विचार हमारे पास आ पहुँचे, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो यहाँ से शुरुआत किया सोच के, ये सब वैक्सीनेटेड में हो गया था, लेकिन इस वैक्सीन का ज़्यादा समाज के लिए उपयोग करने की संधि मुझे नहीं मिली, या तो जो मिली वो 35 साल के सर्विस के दरमियान जहाँ तक हो सके मैंने लोगों को कोशिश की कि ये अपनी मिली पॉजिटिविटी लोगों तक मैं पहुँचा। लेकिन जब मैं निवृत्त हो गया 31 जनवरी 2019 को, तो एक फरवरी को मैंने राजगुरु नगर पुणे, जहाँ पर राजगुरु भगत सिंह सुखदेव का आप नाम जानते हैं, उनका जो जन्म स्थान है, वहाँ पर 10,000 कॉलेज के युवा युवतियों के सामने पॉजिटिविटी की शपथ ली। और ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है कि समाज में सकारात्मकता फैलाएं। आप पूछेंगे क्या फैलाएं, मतलब क्या करना क्या होता है। हमारे अंदर जो है सकारात्मकता उसको उजागर करना है। जहाँ जहाँ हमें नकारात्मकता दिखती है उसको नकारना है, और जहाँ जहाँ पॉजिटिविटी के सकारात्मकता के बीज हम बो सकते हैं वहाँ तन मन धन लगाकर सकारात्मक बीज बोने हैं। इसके लिए किसी भी फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है, संविधान से बड़ा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। और संविधान में जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी, समता और स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसकी बहुत प्रतिष्ठापना हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो दूसरे किसी फ्रेमवर्क की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारी सांस्कृतिक संपदा हमें विचार देती है, हमारा संविधान हमें फ्रेमवर्क देता है। अब क्या बचा है, 75 साल में हम बहुत कुछ हासिल किया, अभी बहुत आगे भी लंबा सफ़र है। 100 करोड़ भारतीयों ने वैक्सीनेशन कर लिया है, उसके लिए हम सब अभिनंदन के पात्र हैं। अभी भी आगे जो दूसरा वैक्सीन है या पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना है, वो सफ़र जारी है, जारी रहेगा, और भारत इन सब चीज़ों पर काम करेगा। तो 2019 में जब हमने शुरू किया, उसके कुछ तुरंत बाद सर महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली जिले में बाढ़ आई बहुत ज़बरदस्त, जो मेरा भी जिला है। तो मैंने सबसे पहले वहाँ दो गांव गोद लिए,
और सोचा कि यहाँ का परिवर्तन का काम मैं करूँगा, यहाँ की मदद का काम करूँगा, और हमारे इलाके के सब लोग उसके साथ जुड़ गए। वो ख़त्म हुआ नहीं हुआ, उतने में कोविड की ये जो लहर, पहली लहर आ गई, लोग हमारे कोविड में पीपीई किट्स बांटने में, मास्क बांटने में, ग्लोव्स बांटने में, राशन बांटने में, और कई सारे राज्यों में हमने ये काम करने की कोशिश किया। यहाँ जो कार्यकर्ता उपस्थित है उनमें से कई लोगों ने हजारों राशन के जो है पैकेट वो बांट दिए हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में उड़ीसा से लेके गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेके चेन्नई तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग विधा में काम किया है। तो एक तरह से ये सकारात्मकता का सम्मेलन है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सकारात्मक विचार है, सकारात्मक लोग है, सकारात्मक संस्था है, इन सब लोगों को हम इकट्ठा करें, एक दूसरे को मनोबल प्रदान करें, और आगे का रास्ता जो है, जो हमारे दोबारा में हमारी जो पंक्तियाँ है वो दोहराना चाहता हूँ, जो दिवाली के समय के लिए ही समर्पक नहीं है, अपने जीवन की यात्रा के लिए समर्पक है, वो है असतो माँ सद्गमय, मुझे असत से सत की तरफ ले जाओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाओ, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय, हे मुझे मृत्यु से अमरता तक ले चलो। और ये अमरता कैसी है? अमरता तभी दिखेगी जब हम सकारात्मक जीवन बीत सके। सकारात्मकता मतलब है आनंद, सकारात्मकता मतलब हैप्पीनेस, सिर्फ जीडीपी नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स। सकारात्मकता मतलब है कंपैशन, बहुत ज़रूरी है इंक्लूसिविटी। सकारात्मकता मतलब है एक दूसरे को मदद करना, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस, करेज, जिस जिन गुणों को माँ बाप ने और शिक्षकों ने हमें दोहराया है वो सब सकारात्मकता के गुण थे। मैं चाहता हूँ कि हम ये सफ़र जो है बढ़िया तरीके से पार करें, जिससे समाज का निर्माण हो, अच्छे समाज का, और राष्ट्र निर्माण में इसकी मदद हो। आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मेरा हृदय आनंद से भर उठा है, और किस किन शब्दों में मैं आपका आभार व्यक्त करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे सब टीम का, जो पूरे ये 100% वॉलंटरी एफर्ट है हमारी तरफ से, और जिन जिन लोगों ने इसमें भाग लिया, हिस्सा लिया, मैं सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत बड़ी संख्या में आज लोग इसको ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, और सब जगह ये पता चल गया है कि कुछ एक सकारात्मकता की जो उसके ऊपर फायर जो है वो इग्नाइट हो गई है लोगों में। उसके लिए इतने बड़े दिग्गज हमारे सामने, उनका मैं स्वागत करता हूँ, और आगे का कार्यक्रम चलाए। मेरे सब टीम का बहुत बहुत आभार, आप सब लोगों का धन्यवाद। Thank you, sir. You have been guiding force for us to be positive, to act positive, and spread positivity as much as we can in the society to rebuild our community in a positive manner. Thank you. I would request our speaker, Krishnapal Yadavji, who is a member of parliament.